हाँ भी दोस्तों सत श्री अकाल, आ थोड़े नाल सांझी करनी सी चीज़ मलचिंग। हिंदी वाले नूं कहिंदे आच्छादन, भी धरती नूं ढक के रखना वा, जिस कारण इहदे विच नमी आ जिहड़ी ओह वी बणी रहिंदी आ, सूखम जीआं नूं वधन फुल्लण लई वधिया माहौल मिलदा, ते जिहड़े नदीन आ ओह वी ज़्यादा नहीं हुंदे। आपां इह कर तां सकदे आ हरेक फसल दे विच ही, उहदा तरीका बदल सकदा। अजकल तुसीं सुणिया होणा मलचिंग वाली कणक की भी काफ़ी गल चल रही है। तो मैं ना छोटे पद्धर से एक तो बीजे आलू, आ देखो नॉर्मली आलू थले पा के तो वो उत्ते आपां पराली पाती। पराली मेरे को ऑरगैनिक बासमती की पराली पई सी, वैसे कोई भी पा सकते हो, पर अपना साग वगैरह खड़ा कृपा मालक की। तो ये तो सीगे आलू, तो हुण मैं थोनों दिखाउणा लसण। आ वेखो आपां लसण बीजा सी, यही थले लसण बीज के ना आम वेंगू ही उत्ते पराली पाती, परे मटर भी इवें बीजे आ। तो अगे ना चलो वही थोनू मैं दिखा ही दिना वा। तो आ मैं पहला टमाटर बीजे सी, ये भी उवें मलचिंग वाले, तो इन्हों फल ना बहुत ज़्यादा लगा। जो तुम देखो आए लद्दे पे आ, पर हजे पक्के घट आखो, पक्की भी जाते बच्चे तोड़ के भी लगाए हुए आप। तो यह ना मैनू बहुत वधिया रिजल्ट लगा यदा। इस तरीके वेखो आप बूटिया के मुढ़ के भी ये मलचिंग करती। जिने क बूटे अपने खेत में लगे हुए अमरूदा के किन्नू के, उन्होंने नाल आप मलचिंग करती। आ अपनी सरों खड़ी आ, हो गई 35 दिन हो गई, आप जन पानी पूनी नहीं लाया। तो आखो आ भी मैं बट के नाल ना ऊँ चिण के आलू के उत्ते आ पराली पाती सी। आ वेखो आ सोहने निकलते आते हैं। सो दोस्तों ये ना छोटे पद्धर से जरूर तजर्बा करो, बड़े पद्धर से तो मैं हम राह देखता हाँ स्प्रेयां स्प्रूं चक्की जाते लोग नदीना तो आलूआ से भी, तो बूटों की भी बहुत संभाल करनी पैंदी आ। जिवें कोई थोड़े बूटे लाए हुए घरेलू भी या होर, इन्हां नूं दूरा फायदा, एक तो नमी बनी रहिंदी आ धरती च, ते दूजी गल नेड़े नदीन नहीं हुंदा, ते तीजी गल मोढ़ा जिहड़े इन्हां दे उह ठंड तों बचे रहिंदे आ। सर्दियां नूं बूटे बचाउणे बहुत औखे आ। आपां ऐतकी लाए सीगे 23-24 जुलाई नूं लाए सी ऐतकी, ते हुण जे आ सियाल इह कढ के आए वधिया, ते मेरा ख्याल आ वी फिर कामयाब हो जाणगे। इस तरीके जरूर अपना के देखियो, इहदा कोई नुकसान तो है नहीं, फायदा ही आ। अच्छा एक गल मैं होर सांझी कर रही सी तुहाडे नाल, मलचिंग पराली की करते हैं आपां, जिवें मैं हरियाणे च देख के आया सीगा वो वुड चिप्स की करते आ, भाव जो भी उन्होंने जिवें वड्डे बूटे उन्होंने बाग दे विच, वो बाग दे विच जो भी बूटियां की शंगाई हुंदी आ, वो सारी लक्कड़ जिहड़ी 6 mm तो बरीक आ ते पत्ते आ वो सारियां नूं कुतरदे आ मशीन दे नाल, कांतरां बन जांदियां उहदियां लक्कड़ दियां, उहनूं उह कहिंदे आ वुड चिप्स। उहदी मलचिंग करदे आ, उह कहिंदे ज़्यादा समां चलदी। पराली तां थोड़े चिर च गल जाणी आ, इह चलो इह वी आपां नूं फायदा वी गल तां जाणी आ, रेह बन जाऊगा, पर वुड चिप्स आ जिहड़ी उह इस तों वी ज़्यादा चिर चलदी आ ते उहदा फायदा वी ज़्यादा आ। पर आपां उन्ने वड्डे पद्धर ते नहीं कर सकदे, तां जे पराली भी नहीं हैगी तां आपां जो भी आपदी बगीचे चो घाह फूस कढ़िया उहनूं पासे रख दिओ, खिलार के जदों सुक गया ते तुसीं उहदी मलचिंग कर सकदे आ। इस तरह धरती नूं ढकणा बस, ते फायदे इहदे कई आ। बहुत बहुत धन्नवाद दोस्तों।